हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और हम लोग भी बढ़िया हैं। और आज आप देख रहे होंगे कि हम कहीं जा रहे हैं। हाँ जी हाँ, जब हम थोड़ा चंडीगढ़ जा रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी मतलब 4 महीने बाद लगभग मैं घर से बाहर निकल रही हूँ। तो जी कैसा ने कहा कि मम्मा आज छुट्टी है पापा की भी और मेरी भी, तो थोड़ा आज बाहर चलते हैं, कुछ सामान वगैरह भी लेके आते हैं। तो कुछ सामान भी हमने लेके आना था, तो हमने कहा चलो आज चंडीगढ़ चलते हैं। तो आज हम सेक्टर 22 नहीं सेक्टर 19 में जा रहे हैं। तो हमने कहा चलो आज सेक्टर 19 में चलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग घर से बाहर निकले। तो हमने कहा थोड़ा नई जगह पर जाएँ, थोड़ा शॉपिंग वगैरह भी करनी है, घर के लिए कुछ सामान भी लेना है। और जिज्ञासा थोड़ा इंजॉय कर रही थी गाड़ी में, तो हम लोग गए आज। तो हमने कहा चलो भी चलते हैं, सब पूरी फैमिली है साथ में, और दादा दादी घर पे हैं, उनका पूरा खाने वाने का सब इंतजाम हमने कर लिया था। तो सब कुछ अरेंज करके फिर उसके बाद हम लोग घर से निकले। और उसके बाद हमने कहा चलो आज सेक्टर 19 में जाया जाए। और सेक्टर 19 को मतलब पालिका बाज़ार कहा जाता है। तो वहाँ पर गए हम, और वहाँ पर जाके फिर हमने सामान वगैरह कुछ देखा, कि मैंने कहा चलो सामान देखती हूँ कि कैसा है सामान यहाँ पर। तो यहाँ पर गए तो यहाँ पर ये शूज़ वगैरह रखे थे, तो 500 के शूज़ मिल रहे थे। और उसके आगे हम चलते गए तो यहाँ पर ये सब मेहंदी वाले बैठे हुए थे, और यहाँ पर कुछ कॉस्मेटिक का सामान भी था। तो जिज्ञासा ने कहा मामा मैंने कुछ कॉस्मेटिक का सामान भी लेना है। तो वहाँ पर मैंने कुछ अपना भी सामान लिया, कुछ जिज्ञासा ने भी देखा अपना सामान। तो सामान तो मैंने जब देखा तो ये सेक्टर 22 के अकॉर्डिंग कॉस्टली था यहाँ पर सामान। तो मैंने कुछ अपना सिंदूर वगैरह देखा, लिपस्टिक वगैरह देखी। तो ये मतलब जैसे हमारी लोकल मार्केट में मिलता है, जितने का सामान उतने का ही यहाँ पर सामान मिल रहा था। तो क्वालिटी वाइज तो ठीक ही लग रहा था मेरे को सामान, ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि कोई घटिया होगा या कुछ मतलब उसमें कोई डिफेक्ट होगा। तो सामान तो ठीक ही था जो मैंने सामान लिया यहाँ पर, और रेट भी उसके मतलब उतने ही थे जितने हमारे लोकल मार्केट में मिलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके रेट थे। तो मैंने कुछ कॉस्मेटिक का अपने यहाँ पर सामान लिया, कुछ जिज्ञासा ने भी लिया यहाँ पर सामान। तो ये देखिए आप, तो मैंने कुछ यहाँ पर अपने लिए दो सिंदूर लिए, और भी मैरून कलर का, ऑरेंज कलर का, और जिज्ञासा ने अपने लिपस्टिक ली अपने अकॉर्डिंग लाइट शेड में। तो वो भी मतलब 100 रुपीज़ की लिपस्टिक थी, 100 200 ऐसे रेट थे वहाँ पर, 300 ऐसे ही थे रेट, कोई ऐसे कोई कम ही नहीं थे और ज़्यादा भी नहीं थे, ठीक ठाक थे मतलब। तो उसके अकॉर्डिंग जो उसको सेट पसंद आया तो उसने वो ले लिया। और फिर उसके बाद हम आगे चले, और आगे चलते गए तो यहाँ पर काफ़ी सारी मतलब प्लास्टिक का सामान वगैरह था। तो मैंने कुछ किचन का सामान वगैरह लेना था, तो मैंने कुछ यहाँ पर किचन का सामान देख लिया। तो मैंने कहा चलो बाद में ले लूँगी, जब मैं घर जाऊँगी तो उसमें उसको मतलब उठा लेंगे हम, क्योंकि काफ़ी हैवी था वो सामान। तो उसके बाद फिर हम आगे चलते गए तो यहाँ पर भी काफ़ी सारा कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ था। तो मैंने देखा, और उसके बाद मैंने कहा चलो हमने कॉस्मेटिक का तो ले ही दिया, आगे ये मेहंदी वाले बैठे हैं मेहंदी लगाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। और भी काफ़ी सारा सामान था यहाँ पर, शोरूम भी थे काफ़ी सारे, और यहाँ पर कुछ बाहर भी सेल लगी हुई थी। तो ये कपड़े थे यहाँ पर गर्म कपड़े, तो मैंने कुछ जिज्ञासा के दादाजी के लिए कुछ कपड़े देखने थे, उन्होंने मंगवाए थे, तो वो सब मैं देख रही थी। तो लेकिन इनके रेट क्या था, काफ़ी हाई थे, और मतलब रेट इतने कम नहीं थे जैसे कि कोई सेल वगैरह में लगे होते हैं, उतने कोई रेट कम नहीं थे। और सेक्टर 22 के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर रेट काफ़ी ज़्यादा थे। तो उसके बाद उनका मतलब साइज़ भी मेरे को मिल नहीं रहा था, तो मैंने बस सिर्फ देखा ही है और लिया नहीं वो। मैंने कहा चलो जब यहाँ पर रेट हाई है तो मैं लोकल मार्केट से ही ले लूँगी अपने। और उसके आगे फिर हम चलते गए, तो उसके आगे चले तो हम उसके बाद ये मैंने ज्वेलरी वगैरह देखी। कुछ जिज्ञासा ने कहा था मेरे को भी अपने लिए इयरिंग वगैरह लेने हैं। तो जैसे आपको पता ही होता है, लड़कियों का होता है कॉलेज जाना है, चेंज कर करके जाना है। तो उसने कहा कि मेरे को अपने लिए इयरिंग वगैरह देखनी है, तो मैंने इयरिंग वगैरह देखी उसके लिए। तो ये इयरिंग भी काफ़ी कॉस्टली थी, मतलब ऐसे ही नहीं थी, और सब कुछ मतलब आपको 100 200 300 500 ऐसे ही मिल रही थी, जो नॉर्मल भी होती है, कोई फैंसी नहीं थी, कोई पार्टी वेयर नहीं थी, नॉर्मल ही इतनी की मिल रही थी। तो ये मैंने देखी यहाँ पर, ये कितने के? 100 रुपये। ये वाले सारे 100 के हैं क्या भैया? एकदम से ध्यान नहीं करा ना, 150 रुपए, 1 2 3 इस आगे के सारे डब्बे हैं 150 रुपए, दोनों 100 रुपए है। ये वाले 1 2 3 ये 200 रुपए जी, ये 300 है, ये 400 है। और उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे चले गए। मैंने कहा चलो ये तो कॉस्टली है काफ़ी ज़्यादा, ये तो मैं लोकल मार्केट से ले ही लूँगी अपने, तो वहाँ पर हमारे रेट सही भी मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर हम आगे चलते गए, तो आगे भी मैंने देखा कुछ सामान, मैंने कहा कुछ कपड़े वगैरह देखे, कुछ और सामान देखती हूँ कोई अच्छा मिल जाए हमें। तो ये आगे चलते रहे तो फिर मेरे को यहाँ पर बैंगल्स वगैरह दिखी, तो फिर मैंने अपने लिए यहाँ पर बैंगल्स ली, ये देखिए। और बैंगल्स वगैरह भी ठीक थी, इयरिंग भी थे वहाँ पर काफ़ी सारे, तो इयरिंग के रेट भी मुझे यहाँ पर भी मतलब कॉस्टली ही लग रहे थे। तो फिर मैंने यहाँ पर बैंगल्स वगैरह देखी, तो मुझे 100 की ये मतलब 4 मेरे को मिल गए थे, 4 सेट थे, तो वो मेरे को मिल गई थी। तो मेरे को बैंगल्स ठीक लगी, वो भी डेली यूज़ के लिए थी, तो मैंने बोला तो चलो घर में वगैरह डाल लेंगे, तो ये मैंने ले ली, 100 रुपीज़ की थी। इयरिंग भी ले लेते हैं।
अपने। और उसके बाद फिर हम आगे गए तो आगे काफ़ी मतलब साड़ी की काफ़ी सारी सेल लगी हुई थी, साड़ी थी काफ़ी सारी, पार्टी वेयर साड़ियाँ मिल रही थी, लेकिन मेरे पास साड़ी तो बहुत सारी थी पड़ी हुई और अभी कोई मैरिज नहीं थी, कोई फंक्शन नहीं था, तो मैंने कहा साड़ी क्या लेनी। फिर मैंने ये ब्लाउज़ देखे तो ये रेडीमेड ब्लाउज़ हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो मैंने इनके रेट पूछे तो ये 600 के थे और लाइनिंग वाले थे और ये पैडेड भी थे, तो अच्छे थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे मेरे को, क्वालिटी वाइज भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन अभी मेरे पास तो ब्लाउज़ भी था, सब कुछ था, तो मैंने लिया नहीं, मैंने कहा चलो रेट ही पूछे मैंने ये। तो उसके बाद फिर हम आगे चलते गए और अंदर की तरफ हम गए तो काफ़ी सारा सामान था और वैसे मेरे को इतना मतलब लग नहीं रहा था कि मैंने कुछ अब लेना है, लगभग मेरा तो शॉपिंग हो ही चुकी थी। और बस उसके बाद आगे जाते गए तो मैंने देखा जिज्ञासा ने कहा मामा मेरे को स्टॉल लेना है, तो ये स्टॉल मुझे अच्छा लगा काफ़ी, तो उसने कहा मैं मतलब कॉलेज में भी डालूँगी और मैंने कहा चलो मैं भी डालूँगी, हम दोनों एक दूसरे की चीज़ें पहन ही लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो बस उसके बाद फिर ये स्टॉल मेरे को पसंद आया तो जिज्ञासा को भी अच्छा लगा तो मैंने ये स्टॉल लिया। तो यहाँ पर दुपट्टे भी थे काफ़ी सारे, स्टॉल भी थे, तो अभी तो विंटर चल रही है तो ये स्टॉल ही लिया मैंने वुलन वाला, और ये स्टॉल 150 का था, तो 150 का था ये, तो यहाँ पर 150 के, 200 के, 300 के ऐसे मिल रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और ये आगे देखिए ये पार्टी वेयर सूट थे तो काफ़ी अच्छे थे सूट, और ये 5000, 6000, 10000 मतलब ऐसे थे। तो अभी तो मैंने कोई मेरे पार्टी में जाना है तो मैंने सूट नहीं लिए, तो अगर आपको लेने हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो। और बस उसके बाद हम आगे चले गए तो फिर थकान हो गई थी काफ़ी ज़्यादा चलते चलते, तो हमने कहा चलो अब गोलगप्पे का स्वाद लिया जाए, तो उसके बाद फिर हमने क्या करा, गोलगप्पे लिए और गोलगप्पे खाए आराम से और इन्जॉय किया उनको। और उसके बाद फिर हमने गोलगप्पे इन्जॉय किए और गोलगप्पे इन्जॉय करने के बाद फिर हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ के मैंने देखा कि यहाँ पर ना आगे जाके सेल लगी हुई है, तो यहाँ पर ना काफ़ी मतलब अच्छे कपड़े थे, मुझे काफ़ी सुंदर लग रहे थे, पार्टी वेयर थे, तो यहाँ पर लहंगा और गाउन थे, तो ये देखिए 4950 के गाउन भी थे, लहंगा भी इसी रेट में थे और साथ ही साथ क्या सरारा भी थे यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे अच्छे थे, मतलब पार्टी वेयर आपको काफ़ी मिल जाते, काफ़ी अच्छे रेट भी सही थे यहाँ पर, तो ये सेल लगी हुई थी, तो अगर आपको लेने हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हो सेक्टर 19 में और आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अब उसके बाद मैं आगे गई तो फिर मैंने आगे देखा तो यहाँ पर पर्स भी लगे थे, उसकी भी सेल लगी थी, तो ये पड़े थे हैंडबैग पड़े थे, तो मेरे को हैंडबैग चाहिए था तो मैंने हैंडबैग लिया, ये 500 का था, और ये देखिए छोटे वाले भी थे, तो छोटे पर्स भी थे, हैंडबैग भी थे, तो ये फिर मैंने बड़ा वाला ले लिया, तो मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास वैसे काफ़ी पड़े थे और भी, तो लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा नया हो जाएगा और चेंज भी हो जाएगा, तो फिर मैंने ये ले लिया, जिज्ञासा को भी यही पसंद आया। तो उसके बाद आगे गए तो यहाँ पर देखिए कुर्ती वगैरह की सेल लगी थी, प्लाजो थे, लेकिन इनको मुझे नहीं, ये क्वालिटी वाइज सही नहीं लग रहे थे, तो मेरे को लगा कि मेरे को ये लेने नहीं चाहिए, तो फिर मैंने ही लिए नहीं, बस मैंने पूछा रेट और बस देखा तो मुझे क्वालिटी ठीक नहीं लगी इनकी। उसके बाद फिर मैं आगे चले हम लोग, ये देखिए आगे बढ़ते गए तो फिर अब जिज्ञासा ने लेने थे कपड़े, तो जिज्ञासा को यहाँ पर पसंद नहीं आए थे सेक्टर 19 में, तो हम इसलिए सेक्टर 17 में चल गए, तो वहाँ पर काफ़ी कॉस्टली होते हैं रेट ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो बस उसके बाद इसने जीन्स लेनी थी तो फिर हमने सेक्टर 17 के एक शोरूम में चले गए, तो यहाँ पर हमने इसके लिए जीन्स पसंद की, ये देखिए। और उसके बाद हमने उसके लिए जीन्स ले ली और फिर सेक्टर 17 में हमने कहा चलो भूख लगी है अब खाना खाते हैं, तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट था तो सागर रत्न रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना क्राउड था कि मतलब उसका फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर सब फुल हो रखे थे और वेटिंग में बैठ रखे थे यहाँ पर हम लोग, तो उन्होंने कहा कि आप लोग इंतज़ार करो बाहर बैठ के और उसके बाद फिर हमारा नंबर आएगा, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बाहर बैठ रखे थे, हमारे बाद भी काफ़ी लोग आए तो सब वेटिंग में चल रहे थे, उसके बाद हमारा नंबर आया और फिर हम अंदर गए, तो उसके बाद जिज्ञासा ने ऑर्डर किया खाने का और काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी क्योंकि हम थक चुके थे और काफ़ी टाइम बाद भी घर से बाहर निकले थे, हमने कहा थोड़ा बाहर ही लंच किया जाए। और उसके बाद फिर हमने खाने का ऑर्डर किया और खाने में मंगाया जिज्ञासा ने छोले भटूरे और साथ में मंगाया राजमा चावल पापा के लिए, और उसके बाद हमने मसाला डोसा ऑर्डर किया, और उसके बाद फिर ये काफ़ी टाइम बाद हम बाहर का खाना खा रहे हैं, काफ़ी टाइम मतलब तब 4 महीने बाद हम लोग बाहर का खाना एंजॉय कर रहे थे, मैं हर समय घर पे ही बनाती हूँ खाना, आपको तो सब कुछ पता ही है। और मैं आपको बता देती हूँ कि आपको मतलब शॉपिंग करने कहाँ पर जाना चाहिए, सेक्टर 22 में जाना चाहिए कि सेक्टर 19 में जाना चाहिए, तो फ्रेंड्स सेक्टर 19 में क्या है आपको रेट थोड़ा मार्केट के मतलब सेक्टर 22 के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पर, और सेक्टर 22 में क्या है आपको मतलब सस्ते से सस्ता सामान भी मिल जाएगा, इजीली मिल जाता है वहाँ पर,
और मतलब क्वालिटी वाइज भी आपको जैसे रेट होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पर सामान मिल जाएगा। अगर आपको मतलब क्वालिटी अच्छी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग रेट भी उसके ज़्यादा होंगे सेक्टर वाइज में, ठीक है। और जो सेक्टर 19 में वहाँ पर क्वालिटी वाइज भी ठीक है, लेकिन रेट थोड़ा सा सेक्टर वाइज के मतलब कंपेरिजन में वहाँ पर ज़्यादा है। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आप अगर अपने शॉपिंग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है घर के लिए और अपने मैरिज वगैरह के लिए शॉपिंग करनी है, घर का सारा सामान लेना है, तो उसके लिए क्या आपको सेक्टर वाइज में जाना चाहिए। और अगर आप लोग सेक्टर वाइज में काफ़ी बार जा चुके हो और काफ़ी बार शॉपिंग कर चुके हो, तो उसके लिए आप सेक्टर 19 में भी जा सकते हो। और रेट वहाँ पर मतलब कि सेक्टर वाइज के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन ये कि क्वालिटी वाइज ठीक है, मतलब मैं ये भी नहीं कह सकती कि वहाँ पर आपको घटिया सामान मिलेगा और रेट ज़्यादा, ये भी नहीं कह सकती। रेट भी ठीक ठाक ही है और कम नहीं है, मतलब ठीक ठाक रेट मिलेंगे आपको, ज़्यादा भी नहीं है और मतलब ये भी नहीं कह सकती कि मैं बहुत सस्ते सस्ते हैं, ये भी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। सेल वगैरह लगी होगी और सेल लगी होती है वहाँ पर, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, मार्केट में जाके ढूंढना पड़ेगा। और जो सेक्टर वाइज है, सेक्टर वाइज में क्या आपको ईजिली मिल जाएंगे कपड़े, मतलब आपको जाओगे आप आराम से, आपको सस्ते कपड़े भी मिल जाएंगे, महंगे कपड़े भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को ये होता है कि हमें इजली मिल जाए, सस्ते कपड़े मिल जाएँ, तो वो आपको सेक्टर वाइज में ही मिलेंगे, ठीक है। और सेक्टर 19 में आपके जैसे लोकल मार्केट में, हमारी लोकल मार्केट है, वैसे ही रेट थे वहाँ पर और क्वालिटी वाइज भी ठीक ठाक ही थे। ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ख़राब थे या बहुत ज़्यादा मतलब उनमें डिफेक्ट था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक थे, मतलब क्वालिटी वाइज भी ठीक थे कपड़े और रेट भी मतलब ठीक ठाक ही थे, मतलब जो लोकल में मिलते हैं हमारे वही थे वहाँ पर। और सेक्टर वाइज में आपको सस्ते मिल जाएंगे और अच्छे भी मिल जाएंगे और मतलब ख़राब भी मिलेंगे, जैसे रेट होंगे ना उसके अकॉर्डिंग ही होता है वहाँ पर सेक्टर वाइज में। तो आप लोग अगर आपने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है तो आप सेक्टर वाइज में जा सकते हो, आपको ढूंढना पड़ेगा वहाँ पर। और सेक्टर 19 में मतलब आपको ठीक ठाक ही मिलेंगे, जो आपके लोकल मार्केट में होते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर रेट है। तो मैं तो अगर नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं सेक्टर वाइज में ही जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर हर तरह से मिल जाता है आपको, महंगे से महंगा भी मिल जाता है, सस्ते से सस्ता भी मिल जाता है। तो कई बार क्या होता है, हमें वहाँ पर चूज़ करने के लिए भी मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।